कानपुर के बिकरू में हुए शूटआउट के मुख्य आरोपी विकास दुबे को घटना के 7 दिन के बाद गुरुवार आज सुबह मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है। वह महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचा था। उत्तर प्रदेश समेत 3 राज्यों की पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पिछले 7 दिनों से उसके दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद और मध्य प्रदेश में छिपने की खबरें आ रही थी। उधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि गैंगस्टर विकास दुबे मध्य प्रदेश पुलिस की कस्टडी में है। गिरफ्तारी कैसी हुई इसके बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। विकास के 2 साथियों बिट्टू और सुरेश को भी गिरफ्तार किया गया है। यहां आपको बता दें कि विकास की गिरफ्तारी तीन बातें सामने आई हैं। VIP एंट्री की रसीद पर अपना सही नाम लिखा है। विकास ने गुरुवार सुबह बाबा महाकाल के दर्शन के लिए VIP एंट्री के लिए 250 रुपए की रसीद कटवाई। इस दौरान उसने अपना सही नाम विकास दुबे ही लिखवाया। इसके बाद वह महाकाल बाबा के दर्शन के लिए मंदिर परिसर में पहुंचा। दर्शन के बाद विकास वहां मौजूद जवानों के पास गया और बोला कि वह कानपुर वाला विकास दुबे है, मुझे पकड़ लो। वहीं विकास को पकड़वाने वाले सिक्योरिटी गार्ड गोपाल सिंह ने बताया कि उसने उसे शक होने पर उसे पूछताछ के लिए रोका तो वह आनाकानी करने लगा, जिससे और ज्यादा शक हुआ, इसलिए पुलिस को बुलाया गया। थोड़ी देर में पुलिस आई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि वह खुद सरेंडर करने गया था। महाकाल मंदिर के पुजारी आशीष ने बताया कि एनकाउंटर में मारे जाने के डर से विकास दुबे आत्मसमर्पण करना चाहता था। मंदिर परिसर में वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि वह ही विकास दुबे है। उसने महाकाल मंदिर के सुरक्षा कर्मियों से कहा कि पुलिस को उसके बारे में सूचना दी जाए। वहीं कानपुर शूटआउट में मारे गए दिवंगत DSP देवेंद्र मिश्रा के परिजनों ने बड़ा आरोप लगाया है। रिश्तेदार कमलकांत ने कहा कि विकास दुबे को बचाया गया है। उन्होंने गिरफ्तारी पर सवाल उठाए, कहा कि इसमें बड़े स्तर पर मिलीभगत हुई है। उधर उत्तर प्रदेश के ADG प्रशांत कुमार ने कहा कि बगैर किसी तथ्य को जाने अभी सरेंडर जैसी कोई बात नहीं जानी जाएगी। हम सभी अलर्ट पर थे। विकास वहां उज्जैन कैसे पहुंचा इसकी जांच होगी। उसके जितने भी साथी हैं उनके खिलाफ सर्च अभियान जारी रहेगा। यहां आपको बताते चले कि विकास ने गिरफ्तारी से पहले अपने मोबाइल पर कुछ वीडियो भी बनाए। इसके बाद जवानों ने उसे पकड़ लिया, एग्जिट मार्ग से बाहर ले जाकर चौकी में बिठा दिया। इसके बाद पुलिस के अफसरों को जानकारी दी गई। बाद में पुलिस उसे अज्ञात स्थान पर ले गई। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास की गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश पुलिस को शाबाशी भी दी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि विकास को उत्तर प्रदेश पुलिस को हैंड ओवर किया जाएगा। दोनों राज्यों की पुलिस इस पर काम कर रही है। साथ ही अखिलेश यादव ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। खबर आ रही है कि कानपुर कांड का मुख्य अपराधी पुलिस की गिरफ्त में है। अगर ये सच है तो सरकार साफ करे कि आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी। साथ ही उसके मोबाइल की CRD सार्वजनिक करे, जिससे सच्ची मिलीभगत का भंडाफोड़ हो सके। इससे पहले बुधवार देर रात विकास दुबे के एक और करीबी प्रभात मिश्रा मारा गया है। प्रभात को पुलिस ने बुधवार को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया था। यूपी पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर कानपुर ले जा रही थी। रास्ते में प्रभात ने भागने की कोशिश की, उसने पुलिस की पिस्टल छीनकर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्यवाही में प्रभात मारा गया। पुलिस ने बुधवार को ही विकास के करीबी अमर दुबे का भी एनकाउंटर कर दिया था। अमर हमीरपुर में छिपा था। अब तक विकास गैंग के 5 लोग एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.